हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड राधे। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो हम लोग यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए सुबह का नाश्ता। तो माँ सर तो यहाँ पे पहले से पहुँचे हुए, माँ सर तो खा रहे हैं यहाँ पे और बाकी लोग आ रहे हैं, यहाँ फैमिली पीछे है। तो आज नाश्ते में स्पेशल बना है क्या, देखिए ज़रा। तो गाइस आज बना है इडली, ये क्या सांभर और ये पोहा एंड ये क्या, अच्छा नारियल की चटनी और ये पता नहीं की चटनी है एंड परांठे और ब्रेड, मक्खन, जैम, कॉर्नफ्लेक्स, दही और अचार यहाँ पे सब लोग ले रहे थे थोड़ा करके। तो इससे पहले कि यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मैं भी फटाफट ले लेता हूँ, तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। हम लोग अपने टेम्पो ट्रैवल में बैठ चुके हैं यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा भुवनेश्वर महादेव। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि वो भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पर वो इंडिया के ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं होता है कहते अब। तो चलो जैसा भी हो, तो हम चलते हैं। आज का सफ़र है हमारा भुवनेश्वर महादेव जी, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस जयपुर। अगर टाइम लगेगा तो थोड़ा आगे पीछे चल जाएंगे, नहीं तो आज 10 बजे की हमारी वॉल्व है, फिर हम यहाँ से वापस चंडीगढ़ की ओर चलते हैं बाद में। बाय। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं भुवनेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर का यहाँ पे मेन गेट है, तो यहाँ से हमको ऊपर ऊपर की ओर जाना है। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे का और क्या क्या है यहाँ पे। बहुत प्यारे से शिव भगवान बैठे हुए फाउंटेन के रूप में, बहुत सुंदर। और ये है एंट्रेंस यहाँ का गुरु, और यहाँ पे कि भगवान को नहलाया जा रहा है फाउंटेन। दोस्तों यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है, तो यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हमारा जो भी सारे सूखे। और यहाँ पे जो है अगरबत्तियाँ जलाते हैं। वहाँ भी डाउन शिवलिंग डाउन है, महाराष्ट्र वाला ये जो औरंगाबाद वाला अंदर ही चल जाता है ये पानी, है ना। जितना मर्जी डालते रहो, जितना मर्जी पानी डालते रहो, अच्छा वो निकाल दायरे तक ही जाता है। अच्छा फिर निकाल देते हैं, उनको क्या 16 घंटे जल में रखना पड़ता है, एक रोध रूप में होती है। और जिस दिन ये रोध रूप के अंदर आते हैं तो उस दिन इसके अंदर जल ही नहीं रहता, रुकता नहीं, बिल्कुल नहीं रुकता, कितना ही जल डालो इसके अंदर ठहरेगा नहीं। वो आते हैं वैसे किसी दिन, तो कभी गुस्से होते जब आपने नहीं, जब कोई गुस्सा होती है जनरली टूटना स्टार्ट हो जाती है। I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad. शिवलिंग इसका सिक्का का स्वरूप ऐसा है ओरिजिनल। पैंतीस साल पहले यहाँ एक जागीर थे, पैंतीस साल 40 साल पहले, वो साइकिल की जो ताड़ी होती है
साइड दाढ़ी से निकाल निकाल के उन्होंने पूरा पीछे जाओ ना यहाँ से इसको क्रॉस नहीं करते, ये दक्षिण में मिलेंगे आपको। ऐसे सिक्कर है ना वो दक्षिण में होते हैं, ये स्टोन का बना हुआ है, एक स्टोन का है पूरा सिक्कर। उन्होंने इसका ओरिजिनल स्वरूप निकाला था, ये तो किसी को पता ही नहीं था ओरिजिनल ऐसा है। सब प्लेन हो गया था, ये जाने कितने वर्षों से होगा, सारा प्लेन हो गया था मिट्टी सारा। ये सामने यहाँ पे आक्रमण किया था, खुदाई इसके ऊपर बड़ी चट्टान लगी हुई थी, चट्टान हटाने के बाद ये शिवलिंग निकला है। यहाँ पीछे पानी की बावड़ी थी, पानी का कुआ था, प्लेन करा था, कुछ नहीं था, बस ये मंदिर प्राचीन मंदिर बना। आपको क्या है कि यहाँ उस समय पर रस्ते थे नहीं, कच्चे रस्ते थे, जयपुर से कोई लोग आए हुए थे यहाँ डेम है, एक पास में उस डैम पे आए हुए थे। कालका जी है एक, रात को भगवान बहुत नास्तिक आदमी थे, कभी मंदिर गए ही नहीं थे, ज्वेलर्स का काम था उनका। रात को यहाँ सो रहे थे, अचानक उनको भगवान ने ऐसा स्वरूप दिखाया। दूसरे दिन उन्होंने कहा भाई जितना पैसा लगता है वो तैयार कराओ। उस दिन से वो इतना हो गए, मतलब हर सोमवार को फिर यहाँ आने लगे। कालका से कालराजी हैं, कानपुर में कालराजी। 1985 में यहाँ संजय डालमिया ने यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाने के बाद में ज्योति प्रज्वलित नहीं हुई, कई संत विद्वान संत लेके आए थे ज्योति प्रज्वलित। उन्होंने पूछा कि यार यहाँ ये कोई माता का स्थान है, पहाड़ी पे माता का स्थान बना हुआ, वहाँ ज्योत जलाने के बाद में ज्योति प्रज्वलित। संजय डालमिया जी का सपना था पूरे गार्डन इसके पहाड़ पे ऐसा गार्डन बनाऊंगा, जाना भूल जाएंगे। उन्होंने इंजीनियर भी जुड़ा दिए, 10 लाख रुपये भी जुड़ा दिए, फर्स्ट स्टेज पर काम स्टार्ट किया। हमारे राजा साहब को किसने जाके महारानी के कान पर दिए, साहब आपके पहाड़ पे कब्जा कर रहे हैं मंदिर वाले, महारानी ने काम कम करवा दिया। उनका भी मन भर गया, ऐसी जगह लगाने से मतलब क्या है जो गाँव वाले में आता है। बाद में कोई इसकी बुद्धि बैठी, 91 में इसने अपने आप बनाना चाहते बना लूँ, बनाने के बाद फिर नीयत खराब हो गई इसकी। 2007 में इसने झगड़े करके सारे मंदिर पे कब्जा कर लिया। महारानी है नरेंद्र कौर पर्यटन मंत्री रही हुई बैरू सिंह जी की गवर्नमेंट में, ऊपर भी कब्जा कर लिया। फिर इसके सद्बुद्धि बिठाई भगवान ने, फिर अपने आप काब ले लो सारा ये सब सुखा रहा मेरे को सब ले लो। उसके बाद फिर बुद्धि खराब हुई हुई इसके लड़के की, और उसने 3 साल से कोर्ट में लगा रखा है। पहले जेंट्स अंदर जाके पूजा कर सकते थे, लेडीज़ नहीं जा सकती थी। लेडीज़ का भी इससे पहले वसुंधरा की गवर्नमेंट बनी थी, जो घनश्याम जी तिवाड़ी सांसद है वो शिक्षा मंत्री थे। हम उनको वसुंधरा को निमंत्रण देने गए थे यहाँ पे बुलाने के लिए, वसुंधरा जी ने उस दिन मना कर दिया कि मेरे कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। यहाँ भागवत जी चल रही थी, कथा की पूर्णावती थी। महाराज जी ने कहा यार ऐसा करो घनश्याम जी को ले चलो, घनश्याम जी शिक्षा मंत्री बने, घनश्याम जी के पास ले गए। घनश्याम जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा उस गाँव में, मेरा जन्मदिन है उस दिन, मेरा भी जन्मदिन है, और मैं अपने जन्मदिन के दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ शिव की पूजा करता हूँ। इनके यहाँ पता नहीं कौन सा कानून लगा रखा है जो स्त्रियों को पूजा नहीं करने देते, अंदर नहीं जाने देते। फिर महाराज जी ने कहा, मैं 65 साल पहले इस गाँव में आया था, जब मैं बाल संत बना था, जब इस गाँव में कुछ नहीं था, मैंने इस बात का विरोध किया इस गाँव में आके कि स्त्रियों को आप अंदर क्यों नहीं जाने देते। गाँव को लोगों ने मेरे पत्थर मारे थे, उसके बाद किसी को पता नहीं है मैं अब आया हूँ इस गांव में, वो भागवत जी करवाई है मैंने इस गांव में। माँ मंडलेश्वर थे मोजी बाबा, लेकिन उन्होंने हमारे को बताया, उन्होंने कहा महाराज हमारी तरफ से तो मनाई है नहीं, वो भगवान की तरफ से कोई मना नहीं है, पंडितों ने परंपरा चली हुई आ रही है उसी हिसाब से स्त्रियों को जाने नहीं देते। घनश्याम जी का चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो आगे पूरा मीडिया साथ था, पब्लिक खूब थी, वो अंदर जाने धर्म पत्नी को लेके जाने लगे, पंडितों ने इन्होंने मना किया था।
क्यों नहीं जल सकते आप, मेरे को कहीं भी लिखा हुआ दिखा दो इस बात का, शिव की पूजा स्त्री नहीं कर सकती, खुद अर्धनारीश्वर है, फिर आप कैसे रोक रहे हो, और भगवान जो दंड देगा वो मेरे को देगा, आपके परेशान हो जाके पूजा कर ली, जाना स्टार्ट हो गया, फिर इसकी बुद्धि खराब हुई, ये भी खुद भी यही थी, नरेंद्र जो पर्यटन मंत्री वो खुद भी यही थी, इसका लड़का भी साथ था, फिर इनको नंबर दिया गया, फिर वापस जाके कोर्ट में लगा दिया, अब सबका ही बंद करवा दिया अंदर पूजन करना, अब जेंट्स भी नहीं जा सकते अंदर, ये भगवान की लीला चला हुआ है, चल रहा है कोर्ट, चलो इसी में भी आनंद है, क्योंकि होना तो वही है जो उसने चढ़ा है। इसमें चल कर गया है 16 दिन के भगवान इसे ऊपर की ओर चढ़े हैं और यहाँ का जो व्यू है वो देख सकते हैं, क्या ही मस्त है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे बहुत से भगवान बनाए हुए, मेरे इस तरफ को यहाँ पे विराजे हैं शिव भगवान जी, उस तरफ को विराजे हैं माता दुर्गा, और यहाँ पे कृष्ण भगवान और ब्रह्मदेव जी गणेश जी, और सबसे टॉप में ऊपर हनुमान जी, बहुत है बहुत सुंदर है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे चलते अब ऊपर की ओर, क्या क्या देखते हैं। Told me when I was young, we are all born superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say, एंड गाइस ये ऊपर का जो नज़ारा है वो ऐसा दिख रहा है यहाँ से, तो बाकी लोग जो है वो नीचे है खड़े फोटो खींच रहे, और यहाँ पे शॉप भी है, खाने पीने को कुछ भी खा सकते हो आप लोग यहाँ पे, और यहाँ पे वो जो झील है बहुत सुंदर है, वहाँ से ही पानी आता है शिवलिंग के लिए, यहाँ पे जो है ये सुबह अभिषेक किया जाता है 108 बार, 108 घड़े आते हैं वहाँ से, तो इनका यहीं से किया जाता है, तो ये है जो है दोस्तों, क्या ही सुंदर है, और यहाँ से ऊपर एक और फोर्ट है देख सकते हैं, पर यहाँ भी शायद जाना है, ये अभी है पर्सनल यहाँ के राजा रानी का जो अभी भी है, पर पता नहीं कहाँ, बहुत बड़ा फोर्ट है ये ठहरा, तो चलते हम भी फटाफट नीचे की और चलो कक्षा। इस सारा व्यू कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, टॉप में गए थे हनुमान जी का मतलब, और उसके ऊपर है यहाँ पे किसी राजा का राज मतलब महल, बहुत बड़ा फैला हुआ है ये, वहाँ तक राजा है और चलो चलते हैं। तो है दोस्तों, सुबह के नाश्ते के बाद हमको अब मिल रहा है नाश्ता, यहाँ पे 5 बज गए, तो 5 बजे हमको यहाँ पे नाश्ता मिल रहा है, तो ट्रैवलर वाले भैया ने हमको यहाँ पे रुकाया है, बहुत मस्त सी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, तो चलते हैं अंदर देखते हैं कि क्या क्या बनाया हुआ है आज। Baby, I was born to be brave, beautiful, my way.
गाइस हमारा जो है लंच ही बोलो, लंच हो चुका है। यहाँ पे पेट भर के खाया मैंने, फिर से गट्टे की सब्ज़ी बनाया था और बहुत टेस्टी था, मज़ा आया। मगर सविता आंटी के जितना कोई नहीं बना पाया, मैंने ये देख लिया है। तो ये है यहाँ का होटल। तो गाइस यहाँ पे वेडिंग प्लानिंग्स भी होती है, यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज होता है वेडिंग। तो यस, मेरी भी यहीं पे करा देना। तो यहाँ पे पीछे स्विमिंग पूल भी दे दिया जाता है आपको, वहाँ पे रेस्टोरेंट है शायद, अभी यहाँ पे होना है शादी। और यहाँ पे जो है और भी सजाया गया है इन लोगों को, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप है यहाँ पे बेचने के लिए हैंडीक्राफ्ट कुछ भी हो। और यहाँ पे बच्चों के लिए पीछे मतलब बहुत बड़ा खुला हुआ इन्होंने अपना रामास, यस रामास बोल करके, रामास रेस्टोरेंट बोल करके। बहुत मज़ा आया है यहाँ पे। और अभी तक मैंने जो कल की एडिटिंग की वो मैंने की नहीं है, तो अब मैं उसको घर जा कर के ही करूँगा आराम से, क्योंकि बहुत थक गया। और आज हमने निकलना है रात को कितने 10 बजे का हमारा वॉल्वो है यहाँ से, तो हम लोग सुबह 7 बजे ही पहुँचेंगे वहाँ पे का चंडीगढ़ पे। तो देखते जैसे भी होगा करते, तो अभी के लिए तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं एक दो फोटोज़ लेते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस टाइम पहुँचे हैं यहाँ पे बस स्टैंड, यहाँ पे बस लगती है, तो हम लोग हैं यहाँ पे रुके हुए अपनी बस का वेट कर रहे हैं। तो 10 बजे हमारी बस है, तो हमारी बस है 10 बजे। तो ये जो मेरे आप पीछे को बस देखिए, ये अलग अलग जगह जा रही है, कानपुर जा रही है, कोई बरेली जा रही है, पता नहीं कहाँ का जा रही है। तो हमारी बस जाएगी 10 बजे, तो हम सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं बस का वेट कर रहे हैं, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं हम लोग। हम चुके हैं सब लोग यहाँ पे, रुके बस का वेट करते हैं और यहाँ पे बस के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बस आ चुकी है और यहाँ पे जो हमारे लोड किए जा रहे हैं, तो अब हम चलते हैं। तो मैं तो अपनी सीट में बैठ चुका हूँ यहाँ पे, बाकी लोग भी बैठ चुके हैं यहाँ पे, अपनी विंडो सीट में बैठा हुआ ऊपर वाले में। तो देख सकते हैं अब ये बस यहाँ पे चल रही है। तो आज का व्लॉग दोस्तों बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सयोनारा, राधे राधे।